स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट में। यह है लेक्चर नंबर 12, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो विभिन्न असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और उनमें आने वाले संभावित क्वेश्चंस की एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आज ये 12वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको 11वें लेक्चर में मैंने अवगत कराया था कि 12वां लेक्चर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ क्वेश्चंस के लिए ही डेडिकेटेड होगा, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 12वां लेक्चर आज मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न है कि एल इज़ द इंडक्टिव इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल ए एंड बी कनेक्टेड एज इन द गिवन फिगर बाई एक्सएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है इन दोनों कॉइल्स के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिगर कट गया है, इन दोनों के बीच में जो हमारा म्यूचुअल रिएक्टेंस है उसको हमने एक्सएम ले रखा है, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये जो हमारा सर्किट दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों की जगह पोलरिटी, ठीक, अगर यहाँ से हम करंट की बात करें ड्रिंग की, तो पोलरिटी इनवर्ड पे है, मतलब इनपुट सेक्शन पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस केस में जो हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो एल होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो इससे जो है हमको, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में निकालना है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स एल वन प्लस एक्स एल टू प्लस 2XLXM, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमको, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पोलरिटी देखना, ठीक है। अगर पोलरिटी सेम है, यानी हम ये देखेंगे कि डॉट्स सेम पोलरिटी पर लगे हुए हैं, इन डॉट्स इनपुट पे हैं, ठीक। देखो, इस वाली कॉइल, ये वाली जो कॉइल है इसमें भी पैल है और इस वाली कॉइल में भी पैल है, यानी दोनों कैसे हैं, एडिटिव नेचर के हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये अगर सब्सट्रैक्टिव नेचर के होते तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस एम हो जाता, ठीक, -2M। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कपल कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दो कॉइल्स की बात की है, ठीक। मान लो कोई कॉइल ऐसी है एक, ठीक है, इसका इंडक्टेंस है एल, दूसरे वाले का कुछ भी एल हो सकता है, ठीक है, या कुछ एल वन एल टू हम कुछ भी मान लें। कह रहा है इन दोनों का कनेक्शन इस प्रकार किया गया है कि एक बार कनेक्शन करने पर जो हमारा एल इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 16 मिली हेनरी और दूसरी बार जो हमारा एल इक्विवेलेंट आ रहा है वो 8 मिली हेनरी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ये हो सकता है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो जैसे अभी हमने बताया कि अगर दोनों डॉट्स, जैसे हमने मान लो इसको इस तरीके से कनेक्शन किया, यानी दोनों डॉट्स जो है हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, सेम पोलरिटी पे कब हमने कनेक्शन कर दिया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस 2M, तो हमारा एल इक्विवेलेंट ये आएगा, ठीक है। अगर हमने कनेक्शन कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, एक डॉट हमने यहाँ लगाया, दूसरा डॉट यहाँ पे लगाया, ठीक, तो अब क्या हो गया, पोलरिटी अपोजिट हो गई, तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, एल वन प्लस एल टू माइनस 2M, ये बन गया, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के लिए उन्होंने इंडक्टेंस दे रखा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा एल इक्विवेलेंट फर्स्ट है, ये हमारा एल इक्विवेलेंट सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस 2M, और सेकेंड केस के लिए क्या आ जाएगा, 8 इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस 2M, ठीक है। दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, माइनस कर दीजिए दोनों, माइनस 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 प्लस कैंसिल कैंसिल, इधर कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4M, तो m इक्वल टू कितना आ गया 8/4, यानी 2 मिली हेनरी। आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन डी, ठीक, याद रखेंगे इसको, इस प्रकार ये प्रश्न हल किया जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द कॉइल आर इंक्रीज 2 टाइम्स, द सेल्फ इंडक्टेंस, तो कह रहा है अगर कोई कॉइल है, अगर उसका पहले नंबर ऑफ टर्न एन था, ठीक है, और उसकी लेंथ एल है, ठीक, अब बाद में हमने क्या किया, उसी कॉइल के में नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा के 2N कर दिए, ठीक
और लेंथ भी क्या बढ़ा के कर दी, 12 कर दी। ठीक है, तो हमें बताना है कि नया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, यानी पहले केस में एल था रहा होगा L1, तो दूसरे केस में L2, तो हमको बताना है L2 L1 से कितना गुना ज़्यादा या कम है। ठीक, तो हमको पता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। तो अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो ये हो गया ये। ठीक, एरिया की बात नहीं करी तो एरिया दोनों केस में सेम लेंगे, ये हो गया L1। L2 हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन टू स्क्वायर ए बाई L2। हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पे क्या होगा, L1 बाई L2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इन टू L2 बाई L1। वैल्यू पुट करें यहाँ पे सबके, तो L1 बाई L2 इक्वल टू कितना आ गया, N1 तो हमारा उतना ही है, तो N1 को हमने N1 स्क्वायर कर दिया, N2 हमारा कितना हो गया 2N, ये हो जाएगा 4N स्क्वायर। ठीक, L2 हमने 2L कर दिया है, ये कितना है L, ये सब कैंसिल हो गया आपस में। ठीक, तो यहाँ से L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2L1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा नया इंडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस है वो पुराने वाले से कितना हो गया, डबल, यानी 2 गुना ज़्यादा हो गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्सिया, इनमें से किसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्सिया कहते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल इनर्सिया कहलाता है इंडक्टर, क्या कहलाता है, इंडक्टर, यानी एल को हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इनर्सिया है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इनर्सिया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्सिया की तरह ट्रीट करते हैं। याद रखिएगा, इंडक्टर को हम एज अ इलेक्ट्रिकल इनर्सिया ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से हम लोग डोनेट करते हैं और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को एच से। तो कह रहा है आई बाई एच, इनका जो रेशियो है ये क्या कहलाता है, आई बाई एच का रेशियो कहलाता है ससेप्टिबिलिटी, क्या, ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो यानी मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो है हमारा, उसका जो अनुपात है यानी उसका जो रेशियो है क्या कहलाता है, वो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी। तो याद रखिएगा ये क्या हो गया, ससेप्टिबिलिटी, यानी इसको हम लोग जाइसो भी डोनेट करते हैं। नेक्स्ट, द रिटेंटिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ऑफ अ मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इनमें से कौन किसके लिए रिटेंटिविटी हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो रिटेंटिविटी क्या बताता है, रिटेंटिविटी बताता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में कितना वो मैग्नेटिज्म स्टोर करके रखता है जब हम उससे मैग्नेटाइजेशन फोर्स हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम बी एच कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो बी एच कर्व यानी बी एच लूप बनाए, तो बी एच लूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हमारा बी एच लूप है, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो बी एच लूप में हम लोग देखते हैं कि रिटेंटिविटी क्या बताता है, रिटेंटिविटी ये बताता है कि कितना अधिक वो हमारा मटेरियल हम जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टोर करके रखेगा जब हम उससे मैग्नेटाइजेशन, यानी यहाँ पे सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये बी ये है, तो कितना वो मैग्नेटाइजेशन स्टोर करके रखेगा। ठीक, तो ये हमको मैग्नेटाइजेशन स्टोर करके रखने में किस किस में ज़रूरत होती है, वो परमानेंट मैग्नेट्स में, क्योंकि परमानेंट हम लोग मैग्नेट्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो मटेरियल हम हमेशा इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहे। ट्रांसफार्मर्स में हमें रिटेंटिविटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी नहीं है, कहाँ ज़रूरत है, केवल परमानेंट मैग्नेट्स में। क्यों, क्योंकि जब हम लोग का परमानेंट मैग्नेट बनाने का ही यही आशय है कि वो हमें एक ऐसा मटेरियल तैयार करें जो लगातार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर सके। तो रिटेंटिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अपने अंदर रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग इस बीएच कर्व से उसको प्राप्त करते हैं, यहाँ पे जो हमें रिटेंटिविटी मिलती है इस पोर्शन में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बड़ा लूप होगा यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रिटेंटिविटी होगी। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं जिनका उपयोग हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 100 टन कॉइल्स हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 6 mH, इफ द टन्स इज इंक्रीज टू 200 ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम द इंडक्टेंस विल बी। ठीक है, का कहना है कि हमने 100 टन की कॉइल ली है, ठीक है, हमारा एन कितना है, पहले इनिशियली एन है हमारा 100, ठीक, उस समय उसका इंडक्टेंस था 6
मिली हेनरी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसका एन बढ़ा दिया, यानी पहले एन वन था, अब एन टू कितना, एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के 200 कर दिए। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, तो इन्हें बताना है हमें कि नया हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, नया इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि एल वन बाई एल टू इक्वल टू क्या हमने देखा, एन वन सॉरी हाँ एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, ये हमने देखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा था ना, एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, यहाँ से ये आ गया। ठीक, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है तो सबका कट के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमसे को इतने से मतलब है। तो एल वन बाई एल टू इक्वल टू क्या, एल वन हमने यहाँ पढ़ा है, एल वन हटा देते हैं, एल वन दिया हुआ 6, एल टू हमको कैलकुलेट करना है, एन वन कितना था 100 और एल टू कितना हो गया 200 का स्क्वायर हमने कर दिया, कैंसिल ये 2, तो एल टू यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 24 मिली हेनरी। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट मेल्टिंग मटेरियल्स है, सॉफ्ट मेल्टिंग मटेरियल में से क्या होता है, पहला हाई परमेबिलिटी एंड लो कोरोसिव फोर्स, दूसरा लो परमेबिलिटी एंड हाई कोरोसिव फोर्स, तीसरा हाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, चौथा लो रेजिस्टिविटी। तो इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बनाने में, इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बनाने में हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, जैसे मशीन्स में, ट्रांसफार्मर्स में, यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग करते हैं ताकि उसे आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सके। तो ऐसे जो है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जिनको हम लोग इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करें सकें। तो ऐसे मटेरियल्स की हमको हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और उसका कोरोसिव फोर्स कम से कम होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसको डीमैग्नेटाइज और या मैग्नेटाइज कर सकें। नेक्स्ट, टू इंडक्टर्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 9 एंड 25 मिली हेनरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इज 12 मिली हेनरी, द कोफिशियंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन द टू इंडक्टर इज, हमने पिछले लेक्चर नंबर 11 में देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशियंट ऑफ कपलिंग और इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के बीच का एक फॉर्मूला। तो वहाँ पे हमने देखा था एम इक्वल टू के अंडर रूट एल वन डॉट एल टू, तो यहाँ पे के क्या था, यहाँ पे के था कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, इसकी रेंज क्या होती है 0 से 1। तो यहाँ पे हमें यही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एम दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना 12 मिली हेनरी, इसको नीचे ले आएंगे अंडर रूट 9 इंटू 25। ठीक, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन 15, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5, तो इंटू 5 15, तो ये हमारा के है, ये तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8, ए के इक्वल टू क्या आ गया 0.8, तो कौन सा, ये ऑप्शन सी। तो ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला सीधे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और इस पर आधारित प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट को देखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉयल्स इज 10 मिली हेनरी, इफ द टर्न्स इन वन कॉयल्स आर डबल एंड दैट इज अदर आर हाफ, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। ठीक है, तो इन्होंने हमको दो कॉयल्स के बारे में बात किया, तो पहले का अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखें तो क्या हो जाएगा, वो म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए बाई एल, दूसरे के केस में क्या कर रहे हैं, एल वन वाले ने लेंथ भी अलग, म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए बाई एल टू। ठीक, दूसरे केस में इन्होंने क्या कहा है, दूसरे केस में इन्होंने कहा है कि हम इफ़ द टर्न्स और डबल कर दें। ठीक, अगर एक का हमने टर्न डबल कर दिया, ठीक है, एंड द अदर हैंड डबल एंड अदर इज का हाफ, दूसरे का हमने क्या कर दिया हाफ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों केसेस में एम क्या है, सेम है, यानी पहला एम वन और दूसरा एम टू क्या है, दोनों सेम हो गए। तो जितना पहले हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा उतना ही दोबारा भी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले कितना था 10 मिली हेनरी, तो दोबारा कितना भी रह जाएगा 10 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक का डबल कर दे रहे, दूसरे का हाफ कर दे रहे, तो दोनों कैंसिल होकर क्या कर रहे हैं, पुराना वाला ही एम वन बना दे रहे हैं, मतलब दोनों का हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है दोनों केसेस में। नेक्स्ट को देखिए, इफ द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वाई, देन रिलेटिव परमेबिलिटी इज परमिटिविटी इज। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी दिया हुआ है,
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी अगर हमको दिया हुआ है, इसको हम लोग गामा से जनरली शो करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है या जाई से भी शो करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमको ये दिया हुआ है तो हमें बताना है कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी साइलेंट आर इक्वल टू क्या होगा, प्लस वन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल विल बी, ठीक है, द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मतलब किसी हमारा सर्कुलर कॉयल है और वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, आई करंट कैरी कर रहा है, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी, मतलब इसके एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी। अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगी, ये अपवर्ड होगी, ठीक है, अगर हमारा ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगी, ये हमेशा डाउनवर्ड होगी, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। अगर ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, यानी हमारी जो फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस द इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल, इनमें से क्या क्वाइल के इंडक्टेंस का निर्धारण करता है, ठीक है, द कोर मटेरियल ऑफ द कोर मटेरियल, हमको पता है इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि म्यू नॉट म्यू आर एन ए स्क्वायर एल, यानी पहली बात तो कोर मटेरियल भी यूज होता है, ठीक, फिर उसका हम लोग डायमीटर भी यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक, फिर हम लोग लेंथ भी यूज करते हैं और नंबर ऑफ टर्न भी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो ये है इंडक्टर का फॉर्मूला, याद रखेंगे, इससे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्या बताता है, यहाँ पे म्यू आर हमको बताएगा क्या, उस कोर के मटेरियल के बारे में, एन वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताएगा, ए क्या बताएगा एरिया, वहाँ से इसके लिए हमने डायमीटर यूज किया, और एल एल क्या है यहाँ पे लेंथ। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस टर्मिनल्स ए कॉमा बी इन द फिगर शोन बिलो इज, यहाँ पे हमको एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, ए और बी के बीच इंडक्टिव, हमको इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालना है, यानी एल इक्वलेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस कई जेई और ए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तीन क्वाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तीन क्वाइल्स लगी हुई हैं, तो एल इक्वलेंट यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम लोग माने कि पहला वाला जो हमारा म्यूचुअल है इसको हम लोग एम वन मान लें, दूसरे वाले म्यूचुअल को एम टू मान लें, तीसरे वाले म्यूचुअल को एम थ्री मान लें, तो एल इक्वलेंट का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहले तो तीनों का एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री लिख लिया जाए, ठीक है, फिर हम लोग म्यूचुअल की बात करें, अगर हम पहले और दूसरे वाले के बीच के म्यूचुअल की बात करें तो देखिए दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, यहाँ पे इंट्रेंस पे है, यहाँ पे क्या एग्जिट पे है, तो पोलरिटी अपोजिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टू एम वन, ठीक है। और दूसरे और तीसरे में देखिए, दूसरे और तीसरे का जो म्यूचुअल है यानी एम टू के लिए देखिए, तो एम टू में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, सेकेंड कॉइल के एग्जिट पे है, और यहाँ पे भी क्या है, ये सेकेंड थर्ड वाली कॉइल के एग्जिट पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी दोनों की पोलरिटी सेम है, दोनों एग्जिट पे है, तो क्या हो जाएगा टू एम टू, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरे वाले एम थ्री के लिए, देखिए ये थर्ड कॉइल के एग्जिट पे है लेकिन फर्स्ट कॉइल के इंट्रेंस पे, यानी यहाँ पे भी क्या है पोलरिटी अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एम थ्री, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, अब हम इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स माइनस टू इंटू वन प्लस टू इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री, तो यहाँ से ये हो गया फिफ्टीन माइनस टू प्लस फोर माइनस सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एट फोर फोर, यहाँ पे कितना आ जाएगा इलेवन हेनरी, तो एल इक्वलेंट हमारा कितना आ गया है इलेवन हेनरी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरीके से सॉल्व होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। इस तरीके से हम लोग पोलरिटी देखेंगे, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूला डिजाइन करेंगे और फिर एल इक्वलेंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉसेस, इनमें से किस इंडक्टर में हमारा लीस्ट एडी करंट लॉसेस होगा, ठीक है, किस में सबसे लीस्ट एडी करंट लॉसेस होगा, तो हमें पता है एडी करंट लॉसेस क्या है, कहाँ पे होते हैं, हमेशा कंडक्टिंग बॉडी में ही होते हैं, तो इनमें से सबसे कम किस में होगा, एयर कोल्ड, एयर कोर में, ठीक है। अगर हमारा जो इंडक्टर है वो एयर कोर है, यानी उसके बीच में जो कोर है वो एयर एयर की, यानी कोई कोर नहीं है, केवल वहाँ पे टर्न्स हैं,
तो उस टाइप का अगर हमारा कोर होगा इंडक्टर का, तो वहाँ पे हमारा सबसे कम जो है वो एडी करंट लॉसेस होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? आयरन कोर में, क्योंकि यहाँ सॉलिड आयरन की बात की गई है, तो सॉलिड आयरन में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, फिर उससे ज़्यादा किस में होगा? फिर लैमिनेटेड कोर में, फिर वुडन कोर में, फिर एयर कोर में। सबसे कम एयर कोर में, फिर उससे ज़्यादा वुडन में, फिर लैमिनेटेड में, फिर आयरन में। तो लैमिनेशन हम लोग क्यों करते हैं? लैमिनेशन हम लोग एडी करंट को, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ही करते हैं, जिसमें आयरन स्ट्रिप को काट काट के हम लोग पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं और फिर उनको स्ट्राइक करके एक सॉलिड कोर बनाते हैं। ठीक है, तो लैमिनेशन का यूज क्यों किया जाता है? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजेशन टू जीरो इज। ठीक, तो इसके लिए हमें बी एच कर्व देखना पड़ेगा। बी एच कर्व देखिए, बी एच कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो कह रहा है कि रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को, यानी जो यहाँ पे हमारा रेसिड्यूअल बन जाता है, यानी जो यहाँ पे रिटेन रह जाता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसको खत्म करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक, इसको खत्म करने के लिए, यानी इसको जीरो करने के लिए, इस रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को जीरो तक ले आने के लिए, ये वाला पोर्शन जीरो तक लाने के लिए, ठीक है, इनमें से क्या उपयोग किया जाता है? उसको, ये जो उपयोग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोसिविटी। क्या बोलते हैं? कोरोसिविटी। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरोसिव फोर्स। ये क्या है? कोरोसिव फोर्स। तो यहाँ पे होती है कोरोसिव फोर्स, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम लोग मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड ये फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए मटेरियल में, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोसिव फोर्स। और ये क्या कहलाता है? हम कहलाता है कोरोसिविटी। ये क्या कहलाता है? कोरोसिविटी। और यहाँ पे जो हमारा रिटेन रह जाता है, यानी हमारी जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन फोर्स जीरो कर देते हैं, फिर भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिटेन हो जाती है, उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, और इसको जीरो करने के लिए, यानी ये जो रिटेंटिविटी हमारी मटेरियल में है, उसको खत्म करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं कोरोसिव फोर्स, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कोरोसिविटी। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखिए। कॉइल विद द सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल इट्स टाइम कॉन्स्टेंट वुड। ठीक है, तो अगर हमारा कोई इंडक्टिव कॉइल है, तो हमें पता होना चाहिए उसका टाइम पीरियड कितना होता है, एल बाई आर। ठीक है, अगर हमारा कोई कैपेसिटिव कॉइल है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? आर से, याद रखेंगे ये। ठीक है, इंडक्टिव कॉइल्स के लिए टाइम पीरियड क्या होता है? एल बाई आर। और कैपेसिटिव कॉइल्स के लिए, यानी आरसी टाइप के सर्किट के लिए, आरसी टाइप के सर्किट के लिए आरसी, और आरएल टाइप के सर्किट के लिए एल बाई आर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल द टाइम कॉन्स्टेंट विल बी। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा? ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हमको हम यहाँ पे हमारा आर तो कॉन्स्टेंट है, आर के बारे में कुछ कहा गया नहीं गया, तो टाउ किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यानी हमारा टाउ वन अपॉन टाउ टू इक्वल टू क्या हो गया? एल वन अपॉन एल टू। ठीक है, एल वन अपॉन एल टू, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टाउ वन अपॉन टाउ टू। तो एल वन क्या है? एल वन को तो हम लोग एल ले लेते हैं। अब एल टू के लिए क्या होगा? एल टू हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल, अगर यहाँ पे हम लोग टर्न डबल कर दें, तो हमने पहले अभी क्वेश्चन में देखा, जब हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि फार्मूला क्या था, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। तो अगर हम यहाँ पे एन को डबल कर रहे हैं, तो एल टू कितना हो जाएगा? फोर एल हो जाएगा। एल टू कितना हो जाएगा? फोर एल हो जाएगा। यहाँ पे एल टू कितना रख दें? फोर एल। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एल से एल कैंसिल, तो टाउ टू इक्वल टू कितना आ गया? फोर टाउ वन। टाउ टू इक्वल टू कितना आ गया? फोर आर वन। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग टू एन रखेंगे, टू एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर एन स्क्वायर। तो ये एल वन से कितना है? चार गुना। तो एल एल टू इक्वल टू कितना आ गया? फोर एल। और यहाँ से हमने जब इसमें पुट वैल्यू पुट किया, तो कितना आ गया? फोर टाउ वन। कितना हो जाएगा वो? बिकम फोर फोल्ड, यानी चार गुना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रवाह या उस उत्पादन का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस। क्या कहते हैं हम लोग उसके? रिलेक्टेंस। ये सेम प्रॉपर्टी है जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होती है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस काम करता है, वही हमारी मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या काम करती है? रिलेक्टेंस। यानी ये हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रवाह का और उत्पादन दोनों का विरोध करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस। ठीक, ये सेम ये कैसा है? एज अ रजिस्टेंस या इम्पिडेंस, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग करंट ऑफ 1
एम्पियर इज प्लेस्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर 1 मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फोर्स पता नहीं, तो हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, बी डॉट आई डॉट एल। तो एफ हमारा फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, बी हमको 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है, ठीक है, आई करंट भी 1 एम्पियर दे रखी है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ से एफ कितना आ गया, 1 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फोर्थ, यानी सही। तो याद याद रखिएगा, फोर्स जो लगती है कितनी है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ से हमको क्या मिला, एफ इक्वल टू बी आई एल मैक्सिमम फोर्स के लिए, तो वो कितनी हो गई, 1 न्यूटन। नेक्स्ट, इसको वाट नहीं, इसको न्यूटन समझेंगे, ये क्या है, 1 न्यूटन, एन लिखा है। नेक्स्ट, टू पैरेलल वायर्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच वायर इज 1 मीटर, द फोर्स बिटवीन द वायर्स इज। ठीक है, तो दो पैरेलल वायर्स के बीच, ठीक है, दो पैरेलल वायर्स के बीच अगर 1 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यानी जब भी दो पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स के लिए बात हो, तो वहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, एफ इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, यहाँ पे करंट की केवल एयर की बात है तो कोई बात नहीं, म्यू आर 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π dd, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैट कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीधे पहले पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू कितना गया, म्यू नॉट हमारा कितना हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷, करंट दोनों में 1 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ, तो कितना हो गया, 1 × 1 2π d, कितना दे रहा है, डी दे रहा है 0.5 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 0.5। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0.5 ये है, मिलके 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा बचा गया एफ इक्वल टू कितना बचा, एफ इक्वल टू बचा −7, 4 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन 6 में 4 क्या मिसिंग, 4 × 10⁻⁷, डिस्टेंस 0.5 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस ठीक है, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁷, ये इतना न्यूटन बल काम करेगा। ठीक है, 2π × d, d हमारा 0.5 मीटर दिया हुआ है, ओ ये लॉन्ग दिया है, ठीक 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 एक मिनट मिनट, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, डाटा में मिस्टेक हो गया, राइटिंग में ऐसे ही गलत हो सकता है, इसको हटाइए, अब इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ, 2 × π × d, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर, डिस्टेंस कितना है हमारा 1 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 मीटर, ठीक है, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 मीटर, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, कितना 2 टाइम्स, एफ इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 10⁻⁷ – 7 न्यूटन, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ 500 टन सोलेनॉइड डेवलप एन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट अ फ्लक्स चेंजेस ऑफ 0.06 वेबर अकर्स टू प्रोड्यूस सच अ वोल्टेज। ठीक है, का कहना है कि 60 वोल्ट वोल्टता उत्पन्न करने के लिए हमारा फ्लक्स कितने इंटरवल में चेंज होना चाहिए उस सोलेनॉइड के लिए जिसमें 500 टन है। ठीक है, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, Nd5/dt, डेवलप कितना करना है हमको 60 वोल्ट, एंड हमारा कितना हो गया 500, फ्लक्स चेंज कितना होना 0.06, और टाइम हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, हम लोग देखेंगे 500 × 0.06 अपॉन 60, तो ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ से ये 0.01 हो गया, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या कितना आ गया, 0.5 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया और टाइम इंटरवल निकाल लिया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर
ऑफ अ क्वाइल हैज़ अ लेंथ ऑफ 200 mm, द इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल इज 6 mH. इफ द कोर लेंथ इज डबल ऑल अदर क्वान्टिटीज रिमेन द सेम द इंडक्टेंस विल बी. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अगर हमारा एक इंडक्टर है उसका क्वाइल का जो इंडक्टेंस दिया हुआ है 6 mH है, ठीक है, और वहाँ पे लेंथ जो है उसकी जो है वो 200 mm है. ठीक, कह रहा है अगर लेंथ को हम लोग डबल कर दें यानी 400 mm कर दें, ठीक है, तो उस केस में हमारा एल क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ स्क्वायल वन मान लो स्क्वायल टू, तो हमको पता है कि एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यहाँ पे म्यू आर भी लगा लेंगे. ठीक, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एल वन बाई एल टू. एल वन बाई एल टू क्या मिलेगा हमें, स्मॉल एल टू बाई स्मॉल एल वन. ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 6 अपॉन L2, पहले हम पहले एल टू है तो हमारा ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 200, यहाँ से 2 टाइम्स चला गया तो एल टू इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 6/2, यानी एल टू इतना इक्वल टू कितना गया 3 mH. तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए. ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द सेल्फ इंड्यूस ई एम एफ ऑफ अ क्वाइल, द सेल्फ इंड्यूस ई एम एफ ऑफ अ क्वाइल वेन द करेंट इन इट इज चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम 10 एम्पियर टू 25 एम्पियर इन 1 सेकेंड, द चेंज इन द एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें पूछा है चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा, तो डेल्टा ई क्या होगा 1/2 L डेल्टा आई स्क्वायर. ठीक है, यही होगा. ठीक, सेम कॉइल है तो एल हमारा सेम होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंडक्टेंस निकालना होगा, चेंज इन करंट तो दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज इन करंट दिया हुआ दोनों केसेस में. ठीक, हमें निकालना क्या है, तब कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, चेंज इन हमें इंडक्टर निकालना पड़ेगा. तो एल इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है एल कहाँ से निकाल पाएंगे, वोल्टेज दिया हुआ है इसके लिए वहाँ से निकालेंगे, तो ई इक्वल टू क्या होता है हमारा एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो ई कितना हो गया 25, ई कितना हो गया 25 वोल्ट, एल हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, 1 सेकंड में हमारा करंट कितना चेंज हो रहा है 10 to 25, तो ये कितना हो जाएगा चेंज, यानी 25 - 10/1, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा हमारा 25, ठीक है, इंटू 1/1, यहाँ पे कितना आएगा 15, तो ये कितना हो गया 5, यहाँ पे 3, तो एल कितना आ गया हमारा 5/3. तो एल हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पुट कर दें डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 5/3, और आई आई कितना दे रहा है चेंजेस 25, यानी 25² - 10² ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा नियर अबाउट 437.5 जूल. कितना आएगा 437.5 जूल, तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखेंगे, द फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग हैविंग विथ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर. मतलब एक हमारा कंडक्टर दिया हुआ है, इसका लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इंड्यूस्ड ई में वहाँ पर जो हमारा ई इंड्यूस्ड हुआ वो कितना है 20 वोल्ट. तो हमें ये बताना है, हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें बी कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी डॉट एल डॉट वी. ई हमको दे रखा है 20, बी कितना हमको कैलकुलेट करना है, एल हमारा 0.5, बी कितना दे रखा है 10, तो यहाँ से हम लोग बी निकाल लेंगे, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/5, यहाँ से आ गया 4 Wb/m², या हम लोग लिख सकते हैं 4 टेस्ला. तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, इस तरीके से आज ये हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए. ठीक है, अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में एसी जो है एसी फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर एसी फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक, धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम लोग एसी फंडामेंटल शुरू करके उसको ख़त्म करेंगे. ठीक है, थैंक यू.